हमने 24 अगस्त को यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, जब विगत वीडियो में हमने उसकी स्टेज क्या थी तुअर की वो दिखाया था, पानी कैसे रुका है वो दिखाया था, मल्चिंग कैसे कर रहे हैं वो दिखाया था। 24 अगस्त को एक मल्चिंग हो चुका था। अभी 24 अगस्त के बाद देखिए कुल कितने दिन हुए, 24 अगस्त और 24 सितंबर एक महीना, उसके बाद के फिर ये 20 दिन, यानी करीब 50 दिन में कितनी ग्रोथ की है। अभी ये जो डिस्टेंस दिख रहा है वो पूरा पैक हो जाएगा अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक, ये पूरा पैक हो जाएगा। इस तरह से इसमें ये ज़मीन की जैसे हमने फर्टिलिटी बनाई है, तो वो फर्टिलिटी के वजह से बारिश का रोका हुआ पानी भी फसल को ख़राब नहीं किया उसने। अब कितना पानी रोका है यहाँ पे हमने, तो हमने दिखाया था कि इसके ग्रिड बना के जगह जगह लॉकिंग किया था, तो 1 सेंटीमीटर पानी 1 हेक्टेयर पे यहाँ पे गिरा, तो वो 1 लाख लीटर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हुआ, 20% उसका वाइब्रेट हो जाएगा, तो करीब 80 लाख लीटर पानी, 1400 mm बारिश हुई है। अब 1400 mm बारिश इस वर्ष रिकॉर्ड बारिश हुई हमारे यहाँ, यानी 1000 से 1500 मिलीमीटर बारिश होती है 90 से 100 सेंटीमीटर तक, लेकिन इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई। रिकॉर्ड बारिश तो 1400 मिलीमीटर पानी को पूरी तरह से यहाँ पे रोक दिया गया था खेत का खेत में ही। रोकने के बाद भी कोई फसल को नुकसान नहीं हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ कि हम लोग जो बायोमास पैदा करते हैं वो कई जीवों का भोजन बनता है, और ज़मीन में कई प्रकार के छेद करने वाले जीव है, वो जीवों के छेदों से वो ग्राउंड वाटर में लगातार कन्वर्ट होते रहा पानी। अब ये पानी कितना हुआ, अब ये ताकत हमारी कैसे बनेगी, 1 सेंटीमीटर पानी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गिरा तो 1 लाख लीटर। अब इस साल तो 140 सेंटीमीटर पानी हुआ, इसके मायने 140 लाख लीटर पानी, 20% अगर उसको निकाल देते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख लीटर पानी हम लोगों ने प्रति हेक्टेयर यहाँ ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया है। तो पूरा 1 करोड़ 10 लाख लीटर पानी, इसका वैल्यूएशन अगर आप निकालो तो आप जानोगे कि ये पानी में कितनी ताकत होगी। अब इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी पैदावार को लेकर काम नहीं करना है, अब हमें पैदावार पानी की करनी होगी, हमें पैदावार इकोलॉजी की करनी होगी, और वो पैदावार को प्रोडक्ट वर्क में लेना होगा। जब प्रोडक्ट वर्क में लेंगे तब किसानों का सम्मान होगा। तो किसानों का सम्मान करने से हम क्यों पीछे हटते हैं, जबकि हमारी मूलभूत आवश्यकता ही वहीं से पैदा होती है। इसीलिए ये बातों को अगर हम गौर करेंगे तो हम सही विकास की तरफ जाएंगे। हमारा विकास का मॉडल सृष्टि पूरक हो, न कि सृष्टि को नष्ट करने वाला। हम अप्लाइड साइंस में या केमिकल फार्मिंग में हम लोग इस पानी को निकालने लगा देते हैं कि अगर पानी अतिरिक्त हो गया तो आप खेत के बाहर निकाल दीजिए, क्यों कि वो अगर रोक दिया तो वहाँ जीव व्यवस्था ही नहीं है, तो वो पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक तो हमने पानी को पूरा रोका है, दूसरा सॉइल फर्टिलिटी को प्रोडक्ट वर्क में लेना है आपको, क्योंकि लाखों करोड़ रुपया हम केमिकल फर्टिलाइजरों के ऊपर दे देते हैं सब्सिडी, अब उसको अगर हमने रोक लिया, खेत का खेत में ही फर्टिलाइजर बनाने लगा, तो आज जो ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 पे गया है, देखते देखते 2-3 सालों में वो 2 तक पहुंच जाएगा। अभी हमारा 0.4 से 5 वर्ष में 2.1 तक इसका ऑर्गेनिक कार्बन चले गया है। अब 0.4 से 2.1 तक चले जाने के पीछे क्या भूमिका रही, हमने यहाँ पे ग्रीन मैन्यूरिंग लगाया था, पहला मल्चिंग हुआ 60 दिन के बाद, फिर 80 दिन के बाद उसमें 4 किलो बाजरा डाला था, तो घास और बाजरा मिला के फिर दूसरा मल्चिंग हुआ, अभी ये तीसरा मल्चिंग हुआ, तो तीनों मल्चिंग मिला के करीब 9 इंच से ज़्यादा इसका मल्चिंग का लेयर हो गया, वो मल्चिंग का लेयर पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। अब मुझे प्रति वर्ष इसकी अरहर की पैदावार बढ़ानी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अरहर की फसल, अब जहाँ अरहर है वहाँ पर ग्रीन मैन्यूरिंग लेना होगा, और जहां पे मैंने ये अगले वर्ष मैं मार्किंग कर दूंगा, एक लाइन यहां बनेगी और एक लाइन एक लकड़ी वहां गाड़ दूंगा, एक ये डिमार्केशन होगा मेरा कि ये यहां पे मैंने वो बोया था, तो एक डिमार्केशन यहां पे और एक वहां पे, इस तरह से एक डिमार्केशन के आधार पे मैं पूरा तय कर लूंगा कि मैंने बायोमास कहां पैदा किया था। तो ये बायोमास पे अगले वर्ष मेरी यहां पे फसल आएगी, तो वो फसल, अभी ये पूरा ड्राईलैंड का मॉडल है हमारा, ड्राईलैंड का मॉडल, तो यहाँ पे कोई क्रॉप नहीं लेना है, हम ले सकते थे लेकिन लेना नहीं है, हमें सिर्फ इसको ड्राईलैंड के ऊपर छोड़ना है। तो ड्राईलैंड में हम अभी 12 क्विंटल तक अरहर पे चले गए हैं, धीरे धीरे अब ये फसल अगले वर्ष यहाँ आएगी तो इसकी निश्चित हम 2 से 3 क्विंटल की पैदावार फिर बढ़ा देंगे।
यानी बिना खर्च के, बिना स्प्रे के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, सिर्फ इन तकनीकों के आधार पर हम अरहर की 2 से 3 क्विंटल प्रतिवर्ष उपज बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे। एक क्षण ऐसा आएगा कि एक सर्वोच्चम बिंदु होगा बिना केमिकल का, बिना पेस्टिसाइड का, वो अरहर की पैदावार हम, ये अरहर फिर क्या करेगी, ये पानी भी पैदा करेगी, ये इकोलॉजी भी पैदा करेगी, ये साथ में फर्टिलिटी भी पैदा करेगी। अब ये जब पैक हो जाएगा तो इसका लीफ, अब ये आप देखिए कितना लीफ है, ये लीफ गिरता है फिर इसका 3 इंच का लेयर बनता है। इस तरह से इतना बड़ा फर्टिलाइजर हमको इससे अवेलेबल होके हम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब ये ड्राईलैंड का मॉडल है। अब हम लोगों ने जहाँ ड्राईलैंड नहीं है, जहाँ इरीगेटेड मॉडल है, वहाँ पे हम लोगों ने इसमें मेथी की फसल ली है। एक कद्दू के इसमें हमने आपको बताया कि कद्दू में हमने अरहर लगा के उसका डिस्टेंस बड़ा रख दिया था, कद्दू की अरहर की पैदावार कम मिलेगी लेकिन धनिए की पैदावार बेताशा मिली हमें। इस तरह से हम बाकी के इसमें मेथी लगाते हैं, वो मेथी की रिकॉर्ड उपज हमको मिलती है, क्योंकि उसका जो माइक्रो क्लाइमेट चाहिए अक्टूबर हीट में, वो वहाँ पे वातावरण बना देते हैं हम उसके वजह से तुअर में, और वहाँ पे फिर मेथी की फसल लेते हैं। तो इस तरह से ये ड्राईलैंड का मॉडल है। अब अगला मॉडल जो देखेंगे हम वो सिंचाई वाला मॉडल होगा। अभी ये तुअर में हम जैसे वो अभी ड्राईलैंड का मॉडल देखें, यहाँ इरीगेटेड मॉडल है ये। अभी ये मॉडल को पूरा कवर्ड होने में करीब 1 माह की देरी है, तो अब बीच का स्पेस है, इसमें हम चना ले लेंगे तो भी नहीं होगा, धनिया लेंगे तो भी नहीं होगा, तो 1 महीने का ड्यूरेशन का कौन सा क्राप है, तो मेथी। तो हमने एक सिंगल लाइन बनाई और ये सिंगल लाइन में अब हम मेथी लगा रहे हैं। ये मेथी हमको प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक इसकी उपज मिलती है एक सिंगल लाइन की 1 एकड़ में। अब 20 क्विंटल इसके दाम कम से कम 25 रुपये से 30 रुपये किलो के मिलते हैं। अब 25 रुपये के दाम भी आप देखो तो कम से कम प्रति एकड़ 50,000 की हम मेथी का क्रॉप, यानी पहले हमने ग्रीन मैन्यूरिंग लिया, फिर मेथी ले ली, उसमें मक्का ले लिया था, और ये तुअर भी खड़ी है। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी के साथ हम क्रॉप का प्लानिंग करते हैं। अभी इसमें हमारी बहनें मेथी लगाएगी, वो मेथी कैसे लगाते हैं वो अभी आप देखोगे। ये मेथी 1 महीने के भीतर हमारी निकल जाएगी, तो हम लोग इसको जो पानी देंगे उसकी नमी से ये तुअर की ग्रोथ भी और तेजी से हो जाती है, तो तुअर की भी पैदावार बढ़ जाती है और मेथी की भी फसल मिल जाती है।